सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नया वीडियो में। गाइस कल वीडियो नहीं आई थी इसीलिए आज वीडियो आ गया है। कल नहीं आया था इसीलिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगा कल वीडियो नहीं आने की वजह से। और पहले जो वीडियो आया था उस वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया है कार कौन सी है, तो उस कार तो कार का मॉडल नंबर क्या है वो जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम आप फिलहाल अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सो गाइस ये है उन सभी का नाम जिन्होंने सही जवाब दिया था मेरे कार का मॉडल क्या है वो। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा और उसका सही जवाब अगर आप लोग देते हो तो अगले वीडियो में आपका भी नाम लिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और इस वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल का सही जवाब दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस आज मैं आप लोगों को ये जो कार खड़ी है इग्निस, इसका जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स है, जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास ऑल्टो था तो ऑल्टो तो प्लेन कार था, उसमें ऐसी कोई भी फीचर नहीं थी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तब से अब तक लगभग 2 सप्ताह होने को आया है और तब से इस कार को मुझे हैंडल करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि पहले जो कार मैं चलाता था उसमें ऐसी कोई फीचर्स तो थी नहीं, प्लेन सिंपल कार थी तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मुझे चलाने के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारा फीचर है इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कैसे किसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए क्योंकि आपके पास भी ऐसी कार होगी और आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसे में ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इग्निस जेटा में जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलता है उसको कैसे आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो चलिए चलते हैं, कार को ओपन करते हैं और देखते हैं। तो चलो गाइस, कार के अंदर आ चुका हूँ और कार के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सबसे पहले कार को स्टार्ट करके एसी को ऑन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टार्ट स्टॉप बटन, इसको पहली बार प्रेस करूंगा तो इसके अंदर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। उसके बाद दूसरी बार प्रेस करूंगा तो ये देख सकते हो कार का जो स्पीडोमीटर है या फिर MID है वो ऑन हो जाता है। और तीसरी बार अगर प्रेस करूंगा क्लच को दबाकर, ये देखो क्लच को दबाने के बाद गियर को न्यूट्रल कर देता हूँ क्योंकि मुझे कार को अभी ड्राइव नहीं करना है। तो हैंड ब्रेक खींच दिया, अब प्रेस करूंगा तो कार चालू हो जाएगा। और अब एसी को ऑन कर देता हूँ। हाँ, अब मैं आप लोगों से बातें करूंगा। तो गाइस ये देख सकते हो इग्निस जेटा मॉडल का ये है स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में ये आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बटन्स या फिर कंट्रोल्स मौजूद है। तो ये जो कंट्रोल्स है इनको आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से स्मार्ट प्ले स्टूडियो में कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इन सारी फीचर्स को दिखाऊंगा। तो चलो कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्लूटूथ को ऑन करना है, तो ब्लूटूथ को ऑन कर लिया है। अब यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर जाने के बाद ये देख सकते हो कनेक्ट हो गया है। अब अगर कोई फ़ोन करता है आपको कार चलाते टाइम तो कैसे आपको फ़ोन रिसीव करना है वो आप लोग देखो। तो मैं नंबर तो आपको नहीं दिखाऊंगा, डायल कर लेता हूँ मेरा नंबर। अब कॉल करते हैं तो देखना कॉल यहाँ पर आएगा, ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर टच ना करके आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ये है फोन उठाने का और ये फोन रख देने का, तो इससे आप कॉल रिसीव कर सकते हो। देखो ये देखो कॉल रिसीव हो गया और इससे कॉल आप रिजेक्ट कर सकते हो या फिर काट सकते हो। देख लो, तो ये देखो कॉल रिजेक्ट हो गया या फिर काट गया। तो ये जो दोनों फंक्शंस है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर कोई फ़ोन करता है तो इससे आप रिसीव कर पाओगे कॉल को और इससे आप कॉल को काट पाओगे। और ये जो आप देख रहे हो ये जो पिक्चर, इसके मदद से इस कार में वॉइस कमांड भी आता है। तो अगर आप अपने कार को जो एंड्रॉयड ऑटो आता है उससे या फिर एप्पल कार प्ले से कनेक्ट कर लेते हो, उसके बाद जो वॉइस कमांड होता है वो वॉइस कमांड आप इससे दे सकते हो, क्लिक करके आप वॉइस कमांड दे पाओगे। तो ये सारी जो फीचर है मैंने आपको बता दिया है। आप ऊपर पर आते हैं तो ऊपर में ये आप देख सकते हो, ये है मोड का बटन और ये दो एरो का बटन है। ये मोड में जो ऊपर वाला है प्लस और नीचे वाला है माइनस, तो प्लस के मदद से आप कार के जो स्टूडियो है उसका जो साउंड है या फिर वॉल्यूम है उसको बढ़ा सकते हो, इससे बढ़ जाएगा ये देखो, और इससे कम हो जाएगा इसके मदद से ये देखो।
कम हो जाएगा और बढ़ जाएगा। और यह है म्यूट का बटन, इसे आप म्यूट कर सकते हो। और यह है एरो, इसके मदद से आप अगर कोई गाना सुन रहे हो या फिर रेडियो स्टेशन सुन रहे हो स्मार्ट प्ले स्टूडियो में, तो वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ यहाँ प्रेस करके। तो ये फीचर हो गया, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो पहले जो फीचर था कॉल, इसे आप उठा सकते हो और इसे रिजेक्ट कर सकते हो, इसे वॉइस कमांड दे सकते हो। और यहाँ पर जो है इसे आप अपने स्मार्ट प्ले स्टूडियो में अगर कोई गाना बज रहा है तो उसको म्यूट कर सकते हो। इसके ये जो मोड वाला बटन है, इसको ऊपर ढकेलने से वॉल्यूम अप कर सकते हो, नीचे ढकेलने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हो। और ये दो एरो बटन्स के मदद से आप अगर कोई रेडियो स्टेशन सुन रहे हो या फिर फोन में जो गाना आप लोग सुन रहे हो उसको आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको कोई गाना पसंद नहीं है तो आप ट्रैक चेंज कर सकते हो इन दो बटन के मदद से। तो ये सभी फीचर मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो एक फीचर बचा है वो है इन्फो बटन का। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, जो ये EMIT आप लोग देख रहे हो वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो कैसे आप लोगों को कंट्रोल करना है, सबसे पहले इसको दबाना है। दबाने के बाद ये देखो इस लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन है इसमें आ गया रेंज। मेरे कार में जो फ्यूल भरा हुआ है पेट्रोल, उसमें ये कार लगभग इतने का रेंज दे देगी। इसके बाद आएगा, फिर से प्रेस करोगे तो एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप एवरेज स्पीड देख सकते हो कार का। इसके बाद ड्राइविंग टाइम देख सकते हो, जो फ्यूल कार में बचा हुआ है उसमें आप इतने घंटे कार को ड्राइव कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद कुछ नहीं आता, इसके बाद फिर से, इसके बाद आएगा इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, इसके बाद आएगा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। फिलहाल कार में 16.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज शो कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 16.1 शो कर रहा है ना, डेढ़ से दो किलोमीटर आप कम पकड़ के चलो, लगभग 14 का माइलेज फिलहाल इस कार से मुझे मिल रहा है। अभी फास्ट सर्विसिंग भी नहीं हुआ है तो लगभग 14 का माइलेज अभी फिलहाल मुझे इग्निस से मिल रहा है, ये आप देख सकते हो। सो गाइस, यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको MID में देखने को मिलेगी, जो इस इन्फो बटन को क्लिक करने से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मीडियम में ये जो सुजुकी का लोगो देख रहे हो, इसको क्लिक करने से कार का हॉर्न बजेगा, ये देखो हो गया। और यहाँ पर हॉर्न का साइन भी दिया हुआ है और मिडिल में यहाँ पर एयरबैग मौजूद है। सो गाइस, ये था आज का पूरा वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिया है इग्निस जेटा में जो स्टीयरिंग में माउंटेड कंट्रोल्स मिलता है उसको आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैंने आज आपको इस वीडियो में समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने से मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस, अब आखिर में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में जो पहला वाला जो फीचर था फोन उठाना और फोन को काट देना, वो इस स्विच के मदद से आप लोग कर पाओगे? तो ये है आज का सवाल। और इस सवाल का सही जवाब देने पर आपका नाम अगले वीडियो में आपका नाम दिखाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी इस सवाल का जवाब दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले आने वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।